नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम गुड़गांव के बिल्डर फ्लोर आपको दिखाएंगे, उसका लेआउट दिखाएंगे, उसका अवेलेबिलिटी दिखाएंगे, किस लोकेशन पे है वो बताएंगे, नियर बाय क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो चीज़ें बताएंगे, मार्केट क्या है, कौन कौन से स्कूल्स हैं, तो सारी चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। तो उसी को वीडियो को ध्यान में रखते हुए आज हम आ चुके सेक्टर 67 में। तो 67 में हम आपको दिखाने वाले हैं एक बिल्डर फ्लोर जो कि इसका साइज़ होने वाला है 251 स्क्वायर यार्ड का, और उसमें क्या क्या चीज़ें बिल्डर दे रहा है, क्या क्या कंपनी की चीज़ें लगी हुई है, वो सब चीज़ आपको दिखाएंगे। चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें, पूरा बिल्डर फ्लोर आपको हम दिखाने वाले। चलिए चलते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको, ये इसकी मेन एंट्री होने वाली है, ये इसका गेट है। तो चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ कैसा रहने वाला है। तो हम आ चुके हैं फ्लोर पे, तो उसका पूरा लेआउट मैं आपको समझा देता हूँ। लेफ्ट साइड में ये सारा लिविंग है, ये ऑफिस रूम दिया हुआ है, स्टडी रूम आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट में रूम है, कॉमन वॉशरूम है, ये डाइनिंग एरिया एंड थोड़ा सा छोटा सा आप सिटिंग एरिया भी है यहाँ पे, एंड आगे एक रूम उधर है, एक रूम इधर है, सामने और किचन है। मैं आपको पूरा थोड़ा ढंग से दिखाता हूँ सारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड आपको एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक इसमें मेन चीज़ है कि ये सारा स्मार्ट होम है, इसमें आपको एलेक्सा की फिटिंग इसमें मिलती है, एलेक्सा आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ, मैं एलेक्सा भी दिखाऊँगा आपको, एलेक्सा भी दिखाएँगे। एंड आपको पहले मैं सारा दिखा देता हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले लिविंग से। तो लिविंग दिखाते हैं पहले आपको, तो ये कुछ हमारा लिविंग रहने वाला है इस तरीके से, ये हमारा लिविंग रहने वाला है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। एंड LED पैनल यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे हमें एंड ऊपर हमें फॉल सीलिंग ऊपर मिल जाती है। एंड आपको मैं दिखाता हूँ इसमें इसका जो ये है, इसकी बालकनी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये वाली बालकनी लिविंग रूम की एंड जो बालकनी है उसके रूम की, दोनों सेम बालकनी, काफ़ी इनफ है बालकनी भी। एंड अगर इसकी बात करें तो ये वॉलपेपर फ्रंट पे हमें मिल जाता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉलपेपर मिल जाता है। एंड जो भी मूवेबल आइटम है वो हमें यहाँ पे नहीं मिलता, फ़ैन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी सारा मूवेबल है ये आइटम कुछ नहीं मिलेगा। ये है हमारा ऑफिस रूम, इसे आप ऑफिस के लिए पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, स्टडी रूम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा ये छोटा सा आप वर्क फ्रॉम होम का एक्चुअली ऑप्शन बहुत चल रहा है आजकल, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप अपना एक अलग Office. ये वुडन का स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं, ये रिमूवेबल है, आप चाहें तो पूरा एरिया आप लिविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आप जैसा चाहें ऐसा यूज़ कर सकते हैं, स्टडी चाहे स्टडी यूज़ करिए, ऑफिस के चाहे ऑफिस यूज़ करिए, चाहे तो पूरा रिमूव करके पूरा एक ही आप क्या कर सकते हैं, लिविंग रूम बना सकते हैं लिविंग एरिया को। तो एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा सैंडलर ये भी हमें मिलता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं फर्स्ट रूम इसका। हाँ जी, तो ये रहने वाला है हमारा फर्स्ट रूम, ये इसका वॉशरूम है जो कि कॉमन रहने वाला है, वॉशरूम भी आपको दिखाएंगे। एंड सामने ये आपको वॉलपेपर मिल जाता है, एंड वार्डरोब हमें यहाँ पे मिल जाती है फ्रंट पे। ये बालकनी है जो मैंने आपको वहाँ से दिखाई थी, बालकनी जो अभी लिविंग में और इसकी बालकनी सेम है, दोनों की बालकनी सेम है। एंड इसमें अगर नीचे हम देखते हैं तो ये नीचे हमें टाइल मिलती है यहाँ पे। और अब आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ इसका, एक सबसे अच्छी चीज़ वॉशरूम की आपको मैं दिखाऊँ तो इसमें सारी सनलाइट है मोस्टली, एक छोटी सी लाइट है जलाई हुई है, मैं इसको अगर बंद भी करता हूँ, ये बंद है फिलहाल, तो ये सिर्फ और सिर्फ सनलाइट है। वॉशरूम में सनलाइट काफ़ी ही अच्छी आ रही है, और जब हम फिटिंग्स की बात करें तो सारी हमें जैगवार्स की फिटिंग मिल जाती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे।
फिटिंग्स जैगुआर की मिलती हैं। और ये है कॉमन वॉशरूम है, आप इधर से बाहर के लिविंग के लिए गेस्ट आता है तो उनके लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं, रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लिविंग रूम से डायरेक्ट है, कॉमन वॉशरूम है, आपका रूम से भी है एंड भी कॉमन आप यूज़ कर सकते हैं गेस्ट के लिए भी। ये आ चुके हैं अब हम डाइनिंग में एंड सिटिंग एरिया छोटा मिल जाता है हमें, तो काफ़ी ही अच्छा ये मिल जाता है। देखिए आप पूरा काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। एंड जिसकी मैं बात कर रहा था, ये फैंसी लाइटिंग एंड वुडन का वर्क इसमें किया हुआ है एंड गणपति बाबा भी यहाँ बैठे हैं, जय हो गणपति बाबा मोरिया। तो ये वुडन का वर्क फ्रंट में मिल जाता है हमें। ये है एलेक्सा, जो मैंने आपको बताया था एलेक्सा की सारी फिटिंग इसमें हो रखी है। तो फ्रंट में हमें ये यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, इसमें आप चाहें तो किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये छोटा सा स्पेस हमें मिलता है। शोकेस के लिए आप यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें रखी है, जैसे कि ये रखा हुआ है यहाँ पे, आप रख सकते हैं एंड इसे काफ़ी अच्छी लुक दे सकते हैं यहाँ पे। एंड वॉल का ये डिज़ाइन जो है मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन आप देख सकते हैं ना, काफ़ी गोल्डन कलर में जो ये डिज़ाइन किया हुआ है काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है यहाँ पे, एक डाइनिंग एरिया में काफ़ी बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। तो आगे दिखाते हैं अब आपको, एंड आपको ये दिखाता हूँ, ये सामने वॉलपेपर मिल जाता है, ये वॉलपेपर है एंड आप कोई एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हमें अपना लिविंग डाइनिंग एंड सामान आप रख सकते हैं। तो एक ये एक्चुअली सैंपल रूम है एंड आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है यहाँ से। तो आप सामने चलते हैं, आपको किचन दिखाता हूँ मैं। तो ये किचन है हमारा एंड इसमें ये स्टार्टिंग में वुडन का वर्क करा हुआ है, काफ़ी अच्छा वर्क है, काफ़ी मतलब एक सेपरेट करने के लिए एंड अच्छी लुक दे रहा है ये। एंड ये चिमनी हमें यहाँ पे मिल जाती है एलिका की, ये चिमनी हमें मिल जाती है, इसमें होप भी मिलेगा, होप अभी लगाया नहीं है तो होप आपको मिल जाएगा। तो ये स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे, सारे में स्पेस काफ़ी अच्छा है, ये पूरा स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं जैसा चाहें, हम किचन में जिस भी तरीके से यूज़ करना चाहें। ये एरिया हमें फ्रिज के लिए एरिया मिल जाता है, यहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकते हैं, यहाँ पे होप लगेगा, काफ़ी प्यारा वुडन का ये काम किया हुआ है यहाँ पे। वॉशिंग एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है, फिटिंग्स आपको जो मैंने बताई थी सारी जैगुआर की फिटिंग है यहाँ पे एंड सारा आपको यहाँ पे मॉड्यूलर किचन ही हमें मिल जाता है पूरा कंप्लीट। सामने हमें मिल जाती है इसकी बालकनी, तो आपको चला दिखाता हूँ इसका मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम आपको दिखाता हूँ मैं, मास्टर बेडरूम कैसे रहने वाला। सो हियर इज मास्टर बेडरूम, लुक एट द बेडरूम। मास्टर बेडरूम एंट्री करते जो हमें फील आया, तो फ्रंट पे ये हमें इसका बेड जो हमारा होने वाला है इस तरीके से रहने वाला है। ये हमें काफ़ी अच्छी जो है फैंसी लाइटिंग यहाँ पे मिल जाती है दोनों साइड एंड ये है वॉलपेपर हमें यहाँ पे मिलता है बैक में एंड सामने जो रहने वाला है हमारा ये फ्रंट पे ये एलईडी पैनल यहाँ पे दे देते हैं हमें, एलईडी पैनल में हमें काफ़ी अच्छा शोकेस दिया हुआ है। आप इसे यहाँ पे हमें ये मिरर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस यूज़ करा हुआ है। एंड फ्लोरिंग की बात करें तो ये वुडन फ्लोरिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है, पूरी वुडन फ्लोरिंग मिलती है एंड ऊपर मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था फॉल सीलिंग हमें ऊपर ही, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग यहाँ पर मिलती है। एंड आपको मैं दिखाता हूँ इसका मास्टर बाथरूम, तो ये रहने वाला है कुछ मास्टर बाथरूम इस तरीके से। ये इसकी वॉकिंग वार्डरोब रहने वाली है, दो वार्डरोब हमें मिल रही है यहाँ पे। यहाँ मिलता है हमें जकूजी, तो काफ़ी यहाँ पे बिल्डर हमें जकूजी देता है एंड फिटिंग्स जो एक बार की मिलती ही है, ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है, काफ़ी अच्छा ही एक रिच लुक दे रहा है, काफ़ी अच्छी रिच लुक दे रहा है, टाइल का यूज़ किया गया है हमारे यहाँ, काफ़ी ही अच्छी रिच लुक दे रहा है यहाँ पे एंड ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बिल्डर ने बहुत ही अच्छा बना के दिया है। एंड एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये लाइटिंग का मतलब ये जो मिरर की लाइटिंग है, तो रिच लुक आप चाहते हैं वो रिच लुक हमें यहाँ पर मिल जाती है। हमें बच्चे हैं, बच्चों का सबसे फेवरेट रहता है किड्स रूम। वार्डरोब हमें यहाँ पर फ्रंट में मिल जाती है, ये वार्डरोब है इसकी सिंगल एंड वन एंड हाफ वार्डरोब जो हमें यहाँ पे मिल जाती है। एंड आपको मैं इसकी एक बालकनी दिखा देता हूँ, इसकी बालकनी एंड मास्टर बेडरूम की बालकनी सेम रहने वाली है, जैसे मैंने आपको मास्टर बेडरूम वाला दिखाया था, मास्टर बेडरूम की बालकनी भी यहीं से रहने वाली है सेम। आप
चाहे तो इसे वॉशिंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं, कपड़े वगैरह धोने के लिए, सुखाने के लिए, काफ़ी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉशरूम इसका रहने वाला है यहाँ पे, सिंपल सा छोटा सा वॉशरूम इसका यहाँ पे मिल जाता है हमें। तो कैसा लगा आपको सारा घर? मेरे को तो बड़ा मज़ा आ गया यार, घर में बहुत ही शानदार घर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके नियर बाय हमारे पास कौन कौन सी मार्केट पड़ती है। तो जस्ट हम ब्लॉक से निकलते हैं तो एक जैसे अंसल की ही मार्केट यहाँ पे हमें मिल जाती है, और हम आगे निकलते हैं तो AIPL जॉय स्ट्रीट, यहाँ पे इसकी जो अगर चाहें हम वो अच्छी मार्केट है, एक अच्छा हाई स्ट्रीट है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। थोड़ा सा और आगे तक से जाएंगे राइट साइड तो आगे जाके M3M अरबाना प्रीमियम एंड M3M अरबाना आपको मिल जाता है, हाई स्ट्रीट रिटेल है आपका। M3M गोल्फ स्ट्रीट है नियर, और थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो हमें लेफ्ट साइड में वर्ल्ड मार्क मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी मतलब नीचे नियर बाय हमारी काफ़ी मार्केट है, काफ़ी जा सकते हैं हम अपनी किसी भी तरीके की अपने डेली नीड के लिए, शॉपिंग के लिए, मूवी के लिए, कहीं भी जा सकते हैं। एंड अगर हम बात करें इसके नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन है वो 5556 का मेट्रो स्टेशन पड़ता है, हुड्डा सिटी सेंटर में पड़ जाता है, जो का आपका डिस्टेंस कम से कम 5 से 6 किलोमीटर के आसपास आता है, 5 से 7 मिनट का सिर्फ डिस्टेंस है गोल्फ कोर्स रोड का। एंड अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट का भी हाफ एन आवर का सिर्फ हमें ये डिस्टेंस हमें एयरपोर्ट के लिए मिल जाता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे स्कूल्स की तो जस्ट थोड़ा सा बाहर जाते ही हमें यूरो स्कूल है, अभी रेडी हो रहा है, थोड़े कुछ टाइम में रेडी हो जाएगा यूरो स्कूल, वो हमें मिल जाता है। और अगर हम बाहर जाते हैं, बाहर जाके हमें थोड़ा मोबाइल फोर्स एक्सटेंशन रोड पे जाते हैं, सिर्फ 2 से 4 मिनट की दूरी पे मिल जाता है हमें, तो वो मिलता है सेंट जेवियर स्कूल, आपने अच्छा नाम है सुना होगा सेंट जेवियर स्कूल का, वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो नियर बाय आपका वेदांता हॉस्पिटल है जो कि आपका 5 से 7 मिनट की दूरी पर पड़ जाता है हमें। तो थोड़ा भक्ति में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा भगवान को मानते हैं, बाकी मानना चाहिए देखो क्योंकि सब कुछ दिया वो उन्हीं का है। तो हमारे नियर बाय 3 से 5 मिनट की दूरी पे हमें स्कॉन टेंपल मिल जाता है। स्कॉन टेंपल वर्ल्ड वाइड पूरा इंटरनेशनल टेंपल है, एंड आपने नाम भी सुना होगा काफ़ी, हरे कृष्णा टेंपल के नाम से जाना चाहता है, वहाँ भी जा सकते हैं। कार पार्किंग क्या हमें मिलती है? तो नीचे हमें स्पेस पूरा मिल जाता है, स्टील प्लस 4 है, 3 सोल्ड हो चुके हैं, सिर्फ अपर ग्राउंड इसमें स्पेस मिला बचा हुआ है, हम इस पर फिलहाल हम बैठे हुए हैं, अपर ग्राउंड इसे बचा हुआ है। तो नीचे जो है हमें सर्वेंट क्वार्टर में मिल जाता है, सर्वेंट रूम मिलता है, 4 सर्वेंट रूम चारों फ्लोर के अलग अलग मिलते हैं, और एक एक कार पार्किंग रिटर्न में हमें मिलती है, एक कार पार्किंग रिटर्न में हमें यहाँ पर मिल जाती है। अगर इसका आपको बता दें 251 स्क्वायर यार्ड का साइज़ मिल जाता है। और अगर आपको और इंक्वायरीज चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर स्क्रीन में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में आपको प्राइस मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड इस तरीके के बिल्डअप फ्लोर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर विजिट करना चाहते हैं इसकी या किसी भी फ्लोर की विजिट करना चाहते हैं तो आप मेरे को वो भी बता सकते हैं। प्राइसिंग बहुत अच्छी होने वाली है, मैं डिस्क्रिप्शन में रेट डाल दूंगा, बाकी जो डील प्राइस है काफ़ी अच्छा मैं करा दूंगा यहाँ पे, इसी से गारंटी में देता हूँ, काफ़ी अच्छा प्राइस इस लोकेशन में। अगर आपको कहीं भी चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आपको ऐसा ही बहुत ही अच्छा बिल्डअप फ्लोर दिखाएंगे। तो तब तक के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।